बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हिंसा के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। वहीं कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच समिति के अध्यक्ष शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी हमेशा सतनामी समाज के खिलाफ रही है। वहीं अरुण साहब ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति में है। देखिए, शिव डहरिया को पहले आरंग की जनता ने हराया, अब जांजगीर की जनता ने हराया। जनता से नकारे जाने के बावजूद इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सतनामी समाज को प्रताड़ना पिछले 5 साल में जब शिव डहरिया जी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब भोगना पड़ा है। सतनामी समाज का जहाँ तक बात है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सतनामी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। देश में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रतिष्ठापित करने का काम, उनके मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया, ये पूरा देश जानता है।